बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अज़ीज़ नाज़रीन सलामुन अलैकुम, मैं हूँ साजिद रिज़वी। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। जी हाँ नाज़रीन, हमारे बिल्कुल ही ख़ास प्रोग्राम गेट फिट में, जहाँ पे हम आपको एक नया तरीका जो है फिट रहने का सिखाते हैं। आइए सबसे पहले हम मुलाकात करते हैं हमारे प्रोग्राम में एक बार फिर से मौजूद हमारे ट्रेनर तहसीन रत्ना सर से। सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, छोटी छोटी टिप्स है जो हम सबके लिए ज़रूर फ़ायदेमंद होती है। लास्ट एपिसोड में आपने चेस्ट स्ट्रेचिंग के बारे में बताया था, आज हमें आप क्या सिखाने वाले हैं? आज हम लोग उससे मिलती जुलती एक्सरसाइजेज है। ओके okay. दिखने में बिल्कुल सिमिलर है, लाइंग पोजीशन और लेटने की पोजीशन, मूवमेंट की पोजीशन बिल्कुल सेम है। ओके okay. लेकिन आज जो मसल के ऊपर काम करेंगे वो है शोल्डर। ओके okay. अक्सर ये होता है कि ओल्ड एज में, या अगर कोई एथलीट है जो क्रिकेट खेलते हैं, या घर के काम में अगर कोई दिन मेहमान आ गया, ज़्यादा काम हो गया है, तो चांसेस है कि ये मसल ज़्यादा काम कर जाता है, ओवरवर्क हो जाता है। ओके okay. और फिर अगर उसकी स्ट्रेचिंग ना करें तो फिर वो स्टिफनेस में टर्न हो जाता है। तो आज वो स्ट्रेचिंग करेंगे जिससे कि शोल्डर मसल रिलैक्स हो जाए और स्ट्रेच हो जाए। सो हम लोग ने लास्ट एपिसोड में चेस्ट स्ट्रेचिंग किया था, आज आप हमें शोल्डर सिखाने वाले हैं। शोल्डर सो इसका भी एक बिल्कुल आसान तरीका है, एकदम सिंपल है, जो घर बैठे किया जा सकता है। ओके तो शुरू करें सर। ठीक है। ओके जैसे लास्ट एपिसोड में हमने चेस्ट का देखा था, जी उसी तरीके से जैसे हमने इसमें अभी लाइंग पोजिशन बताई और स्टैंडिंग पोजिशन देखेंगे हम, उसी तरीके से इसमें हम शोल्डर वर्कआउट करेंगे, शोल्डर का स्ट्रेच करेंगे। जी अगर आपको याद हो तो चेस्ट पोजीशन में हमने पहले कहा था कि कोशिश करें कि आप पहले एल्बोज को टच कर ले, एल्बोज जब टच हो जाए फिर उसके बाद उसको रिलैक्स करके बैक साइड पे मूव करें 90 डिग्री के एंगल में। उसी तरीके से शोल्डर्स में ये अक्सर बहुत ज़्यादा स्टिफ होता है लोगों के साथ, ठीक है। और उसमें एक छोटी सी चीट भी है, उसका हमें खास ध्यान रखना है। ओके जैसे ठीक है, बता दो जी। अब ये पोजिशन पे, और खास करके जो बॉडी बिल्डिंग वर्कआउट्स करते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, और जो फिटनेस में ज़्यादा एक्टिव है स्पोर्ट्स में या कोई गेम्स में, उनका अक्सर ही आप देखोगे कि ये मसल बहुत टाइट होगा। अब ये हाथ को मुझे पहले तो एल्बो टच करना है, जो सिंपल सी टेक्निक है कि अगर आपका एल्बो ही टच नहीं हो रहा है तो फिर मूवमेंट आप कैसे करोगे। जी तो पहली पोजिशन है कि आप एल्बो प्रैक्टिस करोगे फोम पे लेट के, कि आपका एल्बो दोनों टच हो जाए। जब दोनों टच हो गया तो अब आपको धीरे धीरे इसको नीचे की तरफ ले जाना है। अब अगर मैं चीट करना चाहूँ तो मैं भी ज़मीन पर टच कर सकता हूँ जी, लेकिन इससे बियॉन्ड मेरी मसल रेंज के लिए मुश्किल है, मुश्किल है। लेकिन अगर आप गौर से देखोगे कि अगर मैं इस पोजीशन में रिलैक्स करूँ और कुछ समय इस पोजीशन में रुकूँ, तो ये हाथ मेरा धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि ग्रेविटी अपना काम कर रही है और इसको नीचे खींच रही है, खींच रही है, जा रहा है जी। लेकिन इसमें एक चीट है, समझ में आया? ये अभी तक टच नहीं हुआ है राइट वाला। ओके लेफ्ट वाला टच हो गया जी। क्यों? क्योंकि मैंने अपने शोल्डर को उठा दिया। ओके मुझे अपना शोल्डर नीचे चाहिए। अच्छा, ये पार्ट उठाना नहीं है राइट। वरना अगर चीट करना है तो मैं चीट करके इसको नीचे ले जा सकता हूं। तो लोगों को लगा अरे हमने तो कर दिया, नीचे पहुंच गया। लेकिन अगर आप इस शोल्डर को देखो और मेरे राइट शोल्डर को देखो तो उसमें आपको फर्क दिखेगा। ओके राइट वाला शोल्डर अभी भी नीचे है और हाथ नीचे नहीं पहुंचा है, लेफ्ट वाला हाथ पहुंच गया लेकिन शोल्डर ऊपर उठ गया। तो शोल्डर ऊपर उठे बिना भी जा सकता है हाथ? जाना ही चाहिए। okay. वो आपकी लिमिट है, वो आपको प्रैक्टिस से जाएगा और कोशिश करनी पड़ेगी। लेकिन आप इसमें चीट ना करें, आप नीचे पहुंचने की गरज से हाँ, ये शोल्डर ना उठाए, क्योंकि okay. अगर आपने शोल्डर उठा लिया तो फिर वो स्ट्रेच नहीं होगा जी। आपको कोशिश करना है कि शोल्डर को डिप्रेस करके नीचे की तरफ, शोल्डर को मैंने डिप्रेस किया और मैं अपने हाथ को ले जाऊंगा, नहीं जाता कोई मुश्किल नहीं, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कभी ना कभी तो पहुंचेगा। पॉइंट ये है कि आपको धीमे धीमे ले जाना है, बस ये हमने स्लो मोशन में उसको कोशिश करेंगे। बहुत बारीक पॉइंट आपने ले जाने के लिए पर। हाँ, लेकिन शोल्डर मैं इसको उठाऊंगा नहीं। ओके इसको नीचे प्रेस करके रखूंगा। अगर आपको होता है कि आप दोनों कोऑर्डिनेशन नहीं कर सकते, जैसे मैंने बताया कि हम दोनों कोऑर्डिनेशन नहीं कर सकते, तो मैं इसको एक हाथ से रोक लूंगा। ओके और अब इसको ले जाऊंगा। बट बैलेंसिंग बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मैंने कहा ना कि बैलेंस अगर नहीं होता आपसे फॉर्म पे तो आप इसको फ्लोर पे करिए, इसको उठने नहीं दूंगा मैं। ओके अच्छा, यहाँ पे तो ऐसा कब बन जाएगा, थोड़ा सा पूरा हाथ ऐसे, पूरा हाथ टच हो, करने वालों का हो भी जाता है। ओके प्रैक्टिस करोगे तो आपका भी हो जाएगा, लेकिन ये मसल मैंने कहा ना कि जो वर्कआउट करते हैं, जो फिजिकल एक्टिविटी में, उनसे ये डेफिनेटली ये स्टिफ रहता ही रहता है।
ओके तो ये प्रैक्टिस से आप इस लेवल तक जा सकोगे। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको जमीन टच करना है। नॉट नेसेसरी ना। हर आदमी की फ्लेक्सिबिलिटी एक जैसी नहीं होती। वो ऐसा नहीं है कि एक्सरसाइज तभी कंप्लीट होगी जाकर। नहीं, बेटर है अगर टच हो जाए तो। धीमे धीमे हो जाए तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो बेटर है कि वो उस लेवल तक पहुंच जाए। क्लियर है जी? ठीक है, उसी तरह जिस तरह हमने चेस्ट में किया था उसी तरह हम शोल्डर में भी करेंगे। अगर आप चाहते हो कि आप दोनों हाथ के मूवमेंट को, सबसे पहली कंडीशन है कि आपने वेट बेयरिंग, आपके हाथ में कोई भी वेट आपने ले लिया, जैसे पानी की बोतल है, डंबल है, एंकल वेट्स है, जो आपको लेना है, और अपने एल्बोज को उस पोजिशन तक ले आए जहाँ पे एल्बोज जमीन पे टच हो जाए जी। ठीक है, अब उसके बाद धीरे धीरे आपको उसको नीचे की तरफ ले जाना है। ध्यान रहे, चीट नहीं करना है, ना रिस्ट मोड़नी है जी, ना शोल्डर उठाना है। हमें शोल्डर को भी जमीन की तरफ दबा के रखना है और हाथों को स्लोली स्लोली नीचे की तरफ बढ़ाना है। अगर हाथ रुक जाता है जाना, फाइन, नो प्रॉब्लम, बट शोल्डर उठा के नहीं ले जाना है, शोल्डर को नीचे ही लॉक करना है मुझे। एक 30 सेकेंड 20 सेकेंड, जितना आप रेजिस्टेंस मेंटेन कर सकते हो करिए। अब ये लगता है कि यहां आने के बाद मुझे बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है शोल्डर पे और मैं नहीं कर पाऊंगा, बॉटल छोड़ दे, फ्रीली हैंड ऊपर वापस लेके आ जाए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप बॉटल के साथ वापस ला सकते हो, गो अहेड, ब्रिंग इट अप। फ्रीडम रखिए अपने आप पे, कोई कंपल्शन नहीं है कि मुझे बॉटल से करना है तो मुझे दोनों तरफ बॉटल से ही जाना है। नहीं होता है तो ठीक है, इट्स ओके। शोल्डर डाउन, शोल्डर डिप्रेस्ड, अक्सर होगा शोल्डर अपने आप उठ जाएगा इनवॉलेंट्री, लेकिन आपको यही कोशिश करनी है कि शोल्डर अगर उठ जाता है तो आप उसको वापस डिप्रेस करिए नीचे की तरफ और फिर हाथों को नीचे लेके जाइए। ठीक है, ओके, एंड देन बैक। एक 8 से 10 मरतबा इस मूव को फॉलो करिए। नाइन्टी डिग्री एंगल का ध्यान रखिए, दोनों तरफ 90 डिग्री एंगल मेंटेन होना चाहिए, शोल्डर डिप्रेस होना चाहिए, चिन परफेक्टली स्ट्रेट होनी चाहिए, बैक अलाइन होनी चाहिए और उस मूवमेंट को करना है। ठीक है, मैं चाहता हूँ आप इसको अभी ट्राई करें जी। अभी मुझको आप शोल्डर वाली एक्सरसाइज करके बताइए। फर्स्ट हैंड, एक हैंड से ट्राई करेंगे हम लोग। ओके, ठीक है, एल्बो 90 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है, अच्छा दोनों एंगल बनना चाहिए यहाँ से, यहाँ से भी और यहाँ से भी। ओके, ठीक है, और रिस्ट स्ट्रेट रहे, रिस्ट बेंड नहीं करोगे आप, रिस्ट को स्ट्रेट रखना है मुझको। ठीक है, गो, बहुत अच्छे, थोड़ा सा करीब, लॉक हुआ, इज इट फाइन? लॉक हो गया ना, मैंने कहा ना एक पोजीशन पे आके रुकेगा कंपलसरी, मतलब सबके लिए कहीं ना कहीं एक स्टिफनेस पॉइंट होगा, किसी के लिए एकदम नॉर्मल होगा। हाँ, जाने के लिए जबरदस्ती ले जाया जा सकता है, लेकिन वो अपने हाथ से नहीं जा रहा है कहाँ पे, राइट। लेकिन अगर आप चीट करना चाहोगे और शोल्डर उठाना चाहोगे तो अभी ये टच हो जाएगा, राइट, लेकिन हमको वो नहीं करना, हमको कोशिश करनी है कि शोल्डर नीचे रहे, डिप्रेस रहे शोल्डर पोजिशन और उसके बाद ये मूवमेंट हो। देखो, अगर मैं अभी दबाने की कोशिश करूंगा तो आपको बहुत ज्यादा पेन होगा जी। ओके, ठीक है ना, तो ये ताकत ना लगाए। ओके, इसको अपने ओन पे करिए, उतना बेटर है, और जितना जाए उतना ठीक, जितना जाए उतना ठीक है। धीरे धीरे वो उधर उस पोजीशन में अगर आप होल्ड करोगे तो ग्रेविटी अपना काम करेगी, उसको नीचे पुल करेगी क्योंकि आपके हाथ में वेट है और वो धीरे धीरे ओपन हो जाएगा। लॉकिंग आप यहाँ पे फील कर सकते हैं, राइट, कि वो लॉक हो जाएगा हमारा ऊपर आने वाला है। ठीक, ओके, करिए, प्रैक्टिस करिए कम से कम 2-3 मरतबा, फिर कन्फ्यूजन वाले स्टेज पे जाएंगे दोनों बोतल एक साथ। बहुत अच्छे, माशाल्लाह, वेरी गुड, स्टे इन दिस पोजीशन, एटलीस्ट 10 सेकंड तक रुकिए और इंटरनली मेंटली इसको दबाते रहिए नीचे, इसको ना उठने दीजिए। या वेरी गुड, वेरी गुड, देखिए एक स्लाइटेस्ट मूवमेंट है, शायद कैमरा कैप्चर भी नहीं कर पाए, लेकिन बहुत स्लाइट मूवमेंट है, लेकिन ये शोल्डर आपने इंटेंशनली उसको नीचे पुश पुल किया है। ओके, वेरी गुड, स्टे, 5 4 3 2 1, लाइए ऊपर वापस, बहुत अच्छे। अब दोनों हाथ से ट्राई करिए, एल्बो थोड़ा सा और ऊपर, परफेक्ट, गो। स्टार्ट कैसे करना है? हाँ, बस ये कि ग्रेविटी को अपना काम करने दीजिए, आप अपने हाथों को धीरे धीरे नीचे लेके जाइए, रिस्ट टर्न नहीं करेंगे, रिस्ट स्ट्रेट रखेंगे, परफेक्ट,
एल्बो थोड़ा सा ऊपर लीजिए, राइट वाला हाथ। हाँ बस बस, बस जहां तक जा सके। ओके शोल्डर को डिप्रेस करिए, शोल्डर उठ रहा है। हाँ वेरी गुड। ये आपको ऐसे इमेजिन करना है कि आपके शोल्डर्स को फोम रोलर को हग करना है, पीछे की तरफ शोल्डर्स को लेके जाना है, तो ऑटोमेटिकली शोल्डर्स डिप्रेस हो जाएंगे। बहुत अच्छे, वेरी गुड। लेकर आइए, कम से कम 2-3 रेप लीजिए। वेरी नाइस। थोड़ा सा राइट एल्बो ऊपर की तरफ, हाँ वो स्लाइड हो रहा है नीचे। वेरी गुड, वंस मोर ब्रिंग इट बैक। वेरी गुड, फिर से नीचे लेके जाइए। एल्बो थोड़ा सा स्लाइड हो गया नीचे, ऊपर लेके आइए। गुड, शोल्डर डिप्रेस्ड। हाँ वेरी गुड, इमीजिएटली बॉटल ऊपर आ जाती है जहाँ इसको जी। डिप्रेस करते, विच इज फाइन। रिलैक्स, बहुत अच्छे। कैसे फील हुआ आपको इसको? आई कैन फील वेरी नाइस यहाँ पे भी, हाँ एंड आई थिंक ये शोल्डर वाला थोड़ा डिफिकल्ट है थोड़ा डिफिकल्ट है, बिकॉज मैंने यहाँ पे बताया ना ये आपको थोड़ा मसल सा स्टिफ हो सोचना जाता है, पड़ेगा। लेकिन ये आपके लिए डिफिकल्ट है। किसी के, कुछ कुछ लोगों के लिए ये रिवर्स प्रोसेस भी होता है। ओके जैसे अगर किसी के चेस्ट मसल श्रिंक हो चुके और चेस्ट मसल उनकी हंचिंग पोजीशन ज़्यादा आ गए, तो उनके लिए ये बहुत शॉर्ट डिस्टेंस हो जाएगा, तो जी ये आसानी से टच हो जाएगा, और ये वाला डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके जी तो डिपेंड्स किस इंसान के लिए कौन सा मसल टाइट है और कौन सा मसल रिलैक्स्ड है। ओके कैन ठीक है, आई गेट अप? हाँ दो पोजीशन है, एक ये पोजीशन है, या आप साइड पे रोल हो जाइए स्लोली एंड गेट आउट ऑफ इट। ठीक है, गुड। चेस्ट एंड शोल्डर दोनों का सेम तरीका था, बस थोड़ा सा डिफरेंस है जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा हाँ, उसको। उसको क्लैरिफाई कर ले कि ओके इसमें सिर्फ एक बेसिक सा डिफरेंस है। अगर आप ये छोटा सा एक मैसेज याद रख, एक छोटा सा एक एक सेंटेंस याद रख ले, तो जी इजी हो जाएगा समझने के लिए कि चेस्ट स्ट्रेच क्या है और शोल्डर स्ट्रेच क्या है। जैसे जिस मूवमेंट में हाथ आपका फेस की तरफ जा रहा है, यानी ऊपर की हाँ तरफ। ऊपर ओके की तरफ जा रहा है, तो वो मूवमेंट आपके चेस्ट के स्ट्रेच के लिए, और जो मूवमेंट में आपका हाथ नीचे हिप की तरफ या लेग्स की तरफ जा रहा है, वो आपके शोल्डर के लिए। शोल्डर के लिए, तो ये राइट एक छोटा सा मार्क था जो आपको ध्यान में रखना है जब आप चेस्ट का कर रहे हैं और शोल्डर का कर रहे हैं, तो दोनों राइट, में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत कम वक्त में काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, और जो घर बैठे बिल्कुल ही आसान तरीका, जैसे आप हमेशा कहते रहते हैं कि अगर कोई जिम नहीं जा सकता है, घर बैठ के ये एक्सरसाइज कर सकता राइट, है, बिल्कुल। बिल्कुल। तो जी हाँ नाजीन, अगर आपके पास भी कोई सवाल है तहसीन रत्ना सर से फिटनेस को रिलेटेड, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो हमारा ईमेल एड्रेस लिख लीजिए और उस पर आप जो है अपने सवालात या अगर कोई आइडिया या कोई सजेशन है तो वो पूछ सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है GFWin786@gmail.com। देखते रहिए चैनल विन। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।